हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शार्क टैंक पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आसुस का वीवो बुक 15, जो कि इंटेल इनसाइड प्रोसेसर के साथ है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने वीवो बुक 15 का एक बॉक्स बैग। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आसुस वीवो बुक 15 इंटेल इनसाइड कोर i3 प्रोसेसर मिल जाता है हमें इसमें। और देखते हैं क्या है। दिसंबर 2001 का लैपटॉप है, यानी कि 2 से 3 महीने पुराना लैपटॉप है लॉन्चिंग। एंड बॉक्स पे प्राइस जो दिया है 52,000 नियर अबाउट, जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आपको 38,000 के अप्रोक्स। X151EABQ312WS इज दिस कंप्लीट मॉडल सीरीज नंबर। और देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाता है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि 2021 का है रिसेंटली। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है लेटेस्ट ही है इसमें 2021 का। और विंडोज जो है विंडो 11 मिलता है 64 बिट्स, जो कि वो भी लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पर X515E इज दिस कंप्लीट मॉडल नंबर सीरीज। कलर मिल जाता है सिल्वर कलर का। 15.64 HD IPS डिस्प्ले, कोर i3 11 जनरेशन 555G4 नंबर एंड 256 GB SSD NVMe M.2 4+4 8 GB RAM DDR4 3200 MHz के साथ है। 3.2 USB और 2.0 USB पोर्ट्स, Wi-Fi 5 के साथ मिलता है एंड 42 सेल बैटरी है इसमें और 45 वाट्स का चार्जर मिल जाता है। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वाओ, पैकिंग बहुत अच्छा दिया है कंपनी। जैसे कि आसुस का पैकिंग सबसे अच्छा पैकिंग होता है लैपटॉप, कोई कंपनी इस तरीके का पैकिंग आपको नहीं देता है। यहाँ पर मिलता है एक पावर केबल, देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय आसुस। और एक मिल जाता है हमें चार्जर, यानी कि एडेप्टर, 45 वाट्स का एक एडेप्टर मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं विद बारकोड स्कैनर के साथ है। माफ कीजिएगा, खांसी आ गया दोस्तों। 45 वाट्स के चार्ज साथ है आसुस का व्यूबुक का एडेप्टर है ये 45 वाट्स, जो लैपटॉप 1 आवर्स में आपका 60-70% चार्ज कर देता है। तो बट एडेप्टर जो है इसका 45 वाट्स का है, इसलिए थोड़ा स्लो चार्ज होता है। यहाँ पर मिल जाता है हमें एक हार्ड ड्राइव केसिंग मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं हार्ड ड्राइव केसिंग के साथ है यहाँ पर। और हम इसमें हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी ने इसमें हमें हार्ड ड्राइव केसिंग दिया है। जैसे कि देख सकते हैं ये हार्ड ड्राइव केसिंग है, लैपटॉप में SSD है और हार्ड ड्राइव केसिंग कंपनी ने अलग से दिया है। आप इसमें 1 TB HDD हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर लैपटॉप मैंने अनबॉक्स कर लिया है, जैसे कि देख सकते हैं सिल्वर कलर का लैपटॉप है फुल्ली। वाओ, ऑसम लुक लग रहा है, पूरा मिनरल सिल्वर है, काफी अट्रैक्टिव लुक है। मतलब बहुत ही आजकल जो लैपटॉप जो आ रहे हैं सिल्वर कलर में आ रहा है, प्रीमियम लैपटॉप। प्रीमियम लैपटॉप कंपनी ने ये कोर i3 आपको दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मिल जाता है हमें एक चार्जिंग जैक एंड टाइप सी पोर्ट ऑल्सो, एंड मिलता है हमें एक विंड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, मिलता है एक HDMI पोर्ट एंड 3.0 USB पोर्ट। यहाँ पर मिलते हैं हमें 4 पोर्ट्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। देख लेते हैं क्या किस तरीके का है। फाइन फिनिशिंग है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन पूरा फाइबर लैपटॉप है, फुल्ली फाइबर है, फाइन फिनिशिंग है। मतलब ग्लॉसी नहीं कहेंगे लेकिन फाइन फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही अच्छी बनावट है इस लैपटॉप की। और थिकनेस भी अच्छी है, ठीक ठाक है। मींस 1 kg 700 ग्राम ऑल्सो लैपटॉपों का वेट आ रहा है आजकल। बैक साइड से देख सकते हैं 15.6 डिस्प्ले के साथ है ये। ओके, सो राइट साइड में हमें मिलता है एक सिक्योरिटी जैक एंड 3.5 mm साउंड जैक एंड 2.0 USB एंड 3.0 USB पोर्ट्स। यहाँ पर सिक्योरिटी जैक एंड साउंड पोर्ट एंड USB और 2 LED लाइट्स बल्ब है, यानी कि एक चार्जिंग के लिए, दूसरा पावर ऑन होने के लिए LED लाइट्स दिया है कंपनी ने। चलिए अब देखते हैं लैपटॉप के बैक साइड में किस तरीके का लगता है। यहाँ देख सकते हैं फ्रंट से मैंने आपको लैपटॉप दिखा दिया, फुल्ली फाइन फिनिशिंग के साथ है और सिल्वर कलर है। आसुस का जो लोगोज दिख रहा है सामने सिल्वर कलर का है, वो थोड़ा और भी डार्कली सिल्वर है।
सो i3 प्रोसेसर मिलता है 11 जनरेशन इसमें हमें गाइस। यहां मिल जाता है पैनल के नीचे एक बफर सिस्टम मिलता है जैसे कि देख सकते हैं, और एक विंडोज मिल जाता है यहां पर अप एंड डाउन में, मतलब मींस लैपटॉप के नीचे भी एक हीटिंग है एंड राइट साइड लेफ्ट साइड में भी हीटिंग मिल जाता है। यहां मिलता है कंपनी का हमें मॉडल नंबर का स्टिकर्स जैसे कि देख सकते हैं X15 स्पीकर के साथ है लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ नीचे स्पीकर है, तो यहाँ पर म्यूजिक क्वालिटी थोड़ा कम मजा आएगा इसमें। और रबर ग्रिपिंग छोटे छोटे से हैं इसमें, लैपटॉप में ज्यादा रबर ग्रिपिंग हैवी नहीं है जिससे कि आपका लैपटॉप स्लिप ना हो। सो यहाँ पर जो है लैपटॉप नीचे से ओवरऑल ठीक है, लेकिन स्पीकर कंपनी ने इसमें नीचे दिए हैं। आसूस के ज्यादातर नीचे ही स्पीकर होते हैं, कुछ लैपटॉप में ऊपर होते हैं। वो फ्लैप मैंने ऊपर कर दिया है गाइज इसका, तो जैसे कि लेफ्ट साइड में मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का लोगोज मिल जाता है, सॉफ्टवेयर इसमें लाइसेंस ही है एंड कोर i3 इंटेल इनसाइड मिल जाता है, 11 जनरेशन टर्बो बूस्ट प्रोसेसर, बिग मल्टी कैचर टच पैड मिलता है विद फिंगरप्रिंट ऑल्सो जैसे कि देख सकते हैं, टच पैड में कंपनी ने फिंगरप्रिंट दिया है प्रोवाइड किया है। राइट साइड में एक और स्टिकर दिया है X515 का मॉडल सीरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं सीपीयू परफॉर्मेंस वेरी फास्ट लिख रहा है कंपनी, नैरो बेजल डिस्प्ले है एंड नो वॉइस कंट्रोल है यानी कि बाहर का वॉइस आपको इसमें नहीं होगा, माइक बहुत अच्छा है इसका। और मिल जाता है हमें आई रिफ्लेक्ट किसी भी तरीके का आपको रेडिएशन बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा, मतलब आपके आंखों को कोई इफेक्ट नहीं होगा, 20 मीटर्स के बाद इंडिकेट कर देगा विद एंटी क्लियर डिस्प्ले है इसका, नंबर ऑफ न्यूमेरिक मिनरल कीबोर्ड है, नॉन डस्टेबल, डस्ट आपका इस लैपटॉप में नहीं आता है मतलब कीबोर्ड के अंदर, ओके कीबोर्ड में ही कंपनी ने पावर स्विच ऑन ऑफ दिया हुआ है। और टॉप पे मिलता है हमें इधर कैमरा जो है, इस कैमरे की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, VGA कैमरा मिल रहा है, HD नहीं है, VGA 2 माइक्स के साथ VGA कैमरा। डिस्प्ले की क्वालिटी जो है फुल HD है, 1920x1080 पिक्सल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है और बेजल काफी कम है जो कि मार्केट में नियर अबाउट विंडो 11 2021 के साथ सॉफ्टवेयर के साथ ये लैपटॉप आपको अवेलेबल हो रहा है नियर अबाउट 38,000 में। तो 38,000 के अंदर आपको ये लैपटॉप प्रोवाइड हो जा रहा है, बल्कि अगर आप ऑनलाइन या शॉप ऑफलाइन भी बाइंग करेंगे तो बार्गेनिंग करके ये लैपटॉप आपको कम पैसों में भी मिल सकता है, 38,000 या 37,000 के आसपास नियर अबाउट आपको मिल सकता है। सो दोस्तों नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ है, मिनरल सिल्वर कलर का कीबोर्ड है जो कि काफी अच्छा लग रहा है, गैपिंग कीबोर्ड है, स्मूथ की है। अब ब्लूटूथ की बात करूं तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है एंड वाईफाई भी इसमें 5.1 वर्जन है, वाईफाई 5 है एंड ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। एंड प्रोसेसर की बात करूं अप टू टर्बो बूस्ट प्रोसेसर है, ये 3.8 GHz तक जाएगा एंड 8 GB रैम है, 4+4 आप इसमें रैम भी इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स 12 GB रैम इंक्रीज हो जाएगा और HDD भी आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं। SSDs में कंपनी ने स्टोरेज 256 GB ही दिया है यानी कि 256 GB का हमें SSD मिल जाता है NVMe M.2। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक बनता है, थम्स अप तो है ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में शार्क टेक के साथ, इसी तरीके से जुड़े रहिए, न्यू अपडेट न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ आपको एवरी टाइम मैं रूबरू कराता रहूंगा। सो देखते हैं अब मैं नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा लेके आता हूँ और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन, हो सकता है टच स्क्रीन हो या हो सकता है कुछ i5 वगैरह i3 हो। सो एवरी टाइम मेरा काम है आप लोगों को नोटिफिकेशन कराना न्यू लैपटॉप से। सो गाइज कीप वॉचिंग माई चैनल शार्क टेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।